हेलो दोस्तों, आपको हमारा YouTube का चैनल नॉलेज इंफो में बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल पे आपने जो भी चीज़ें मेरे से देखी या सुनी आपको कैसी लगी तो कमेंट्स करके मेरे को फिलहाल ज़रूर से ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई भी कमेंट्स करना है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी एक बार फिर से चर्चा कर सकूँ और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो सकूँ। तो दोस्तों, हमारे जो चैनल है YouTube का नॉलेज इंफो, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ें लेके आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तो अगर मेरे वीडियो में कोई भी चीज़ आपको, किसी तरह की चीज़ें आपको पूछनी है या कोई भी क्वेश्चन करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कर सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको उपलब्ध करा सकूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से जो है सुब्रत राय सारा जी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, यानी सारंडे परिवार का। सारंडे परिवार में बहुत सारे लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। और सारंडे परिवार के जो मुखिया हैं मिस्टर सुब्रत राय सारा जी, इन्होंने जो है काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल किया है, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सारे कंपनीज को, मतलब सारंडे परिवार को बनाने के लिए, एक परिवार को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज को जो है बिल्ड किया। और सबसे बड़ी बात यह है, सारंडे परिवार में सुब्रत राय सारा जी का जो स्थान है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा अनमोल है। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि सुब्रत राय कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। जी हाँ, कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी, सारंडे परिवार के जो मेन मुखिया हैं कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं। जबकि अब उसके बाद ये खबर आई है कि सारंडे परिवार के जो मुखिया हैं वो कोविड-19 नेगेटिव हो चुके हैं। उनके पॉजिटिव होने से हम सबको इसलिए झटका लगा था, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों के पैसे जो हैं सारंडे परिवार की कंपनी में लगे हुए हैं। जी हाँ, बहुत सारे निवेशकों के पैसे जो है इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, और बहुत सारे निवेशक जो है अपना पैसा रिफंड भी चाहते हैं। सारंडे परिवार और सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सारा इंडिया परिवार, दोनों की अगर हम बात करते हैं, तो अभी जो है कोर्ट के चल रहा है सारंडे परिवार का सेबी में इसी मैटर को लेकर के, कि किस प्रकार से निवेशकों का पैसा उनको वापस मिल सके। जबकि सारंडे परिवार का कहना ये है कि उनका पैसा जो है, उन्होंने अपने निवेशकों का पैसा पहले ही दे चुके हैं, और निवेशक और ये दोहरे पेमेंट का मामला है, उन्होंने सेबी को भी पैसा दिया और निवेशकों को भी। जबकि सेबी यानी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सहारा इंडिया परिवार में बहुत सारे जो क्यूसॉप में कन्वर्ट हुआ पैसा, और उससे पहले भी जो बात हो रही थी उसमें बहुत सारे निवेशकों का पैसा नहीं मिला है। ये नहीं कि सेबी ने सहारा इंडिया परिवार से जो पैसा लिया है उसमें बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट, जो सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों को उन्होंने दिया भी, लगभग अब तक सेबी जो है 107 करोड़ रुपए जो है सारंडे परिवार के निवेशकों को पे कर चुकी है। सारंडे परिवार एक बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी संस्था है। अब सहारा इंडिया परिवार में क्या हुआ कि सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर लिया था, और अभी भी केस चल रहा है सहारा इंडिया परिवार में, केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब क्या है कि निवेशकों के हक में जो फैसला आना चाहिए उसके निवेशक जो है इंतजार करें कि कब सारंडे परिवार में निवेशकों का के हक में जो है ऑर्डर आता है, और उनके जो चाहे रिकरिंग डिपॉजिट हो यानी कि आरडी हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, उनका जो है पैसा उनकी विद मैच्योरिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिल सके। सारंडे परिवार में अगर हम बात करते हैं तो मेन मुद्दा जो है मिस्टर सुब्रत राय सहारा जी हैं। और अगर हम बात करते हैं कि बिग अनाउंसमेंट के बारे में बात करें, तो बायोपिक ऑन बिजनेस टाइकून सुब्रत राय टू बी मेड, मेकर्स टू ऑफिशियली अनाउंस द फिल्म ऑन सुब्रत रॉय 73 थर्ड बर्थडे 10 जून 2021। अब इन्होंने 10 जून 2021 को 73 बर्थडे में ये अनाउंस किया, इसके अनुसार कि उनका जो है बायोग्राफी पे जो है फिल्म बनेगी, तो ये ऑफिशियली फिल्म बनेगी। अब क्या है कि हम लोगों को भी इस फिल्म का बहुत ही ज़्यादा बेफिक्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि ये फिल्म इन्वेस्टर्स को देखना बहुत ही ज़्यादा ये रहेगा कि क्यों उनका पैसा इतने समय तक जो है नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पाया,
ये देखना उन लोगों के लिए जाना बहुत ही जरूरी रहेगा। तो आशा ये की जा रही है कि इस मूवी यानी कि इस मूवी के जरिए जो है हमें ये पता चल पाएगा कि क्यों इन्वेस्टर्स का पैसा इतना नहीं मिल पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है, और सुप्रीम और सारंडे परिवार और सेबी के बीच में जो मतभेद चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला कैसे पहुंचा और क्यों इतना जो है ऐसा हुआ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं मिल पाया और इन्वेस्टर्स क्यों इतने ज़्यादा जो है परेशान हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैसा अपना इन्वेस्टमेंट किया सारंडे परिवार ने, किसी ने अपने हॉस्पिटल के खर्चों के लिए, किसी ने अपनी बेटी के बेटे के पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी ने अपने अपने पर्सनली यूज़ के लिए, मतलब हर व्यक्ति ने अपने ज़रूरत के लिए जो पैसा जो जोड़ा था वो सारंडे परिवार में इन्वेस्टमेंट किया, जिससे कि वो उसकी जो है पैसे की ग्रोथ हो सके, वो पैसा इंक्रीज हो सके समय के साथ। आप सभी लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही है दर प्रतिदर, और इस वजह से लोगों ने जो है पैसे को उनको लगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है इस कंपनी में, इस वजह से, और यहाँ पे ट्रस्ट भी है, भरोसा भी है इस कंपनी में, क्योंकि सुब्रत राय सारा जी ने इतनी अच्छी छवि बनाई कि लोगों ने जो है इन पर भरोसा करके लाखों नहीं फ्रेंड्स करोड़ों रुपए जो है इन्वेस्टमेंट किए बहुत सारे इन्वेस्टरों ने मिल करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारंडे परिवार ने बॉलीवुड मूवीज़ में भी अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया। जी हाँ, बॉलीवुड मूवीज़ में भी इन्वेस्टमेंट किया, मैचेस में भी, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया, और F1 रेसिंग मैच में भी किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जो है भारत को आगे और मोटिवेट करने में के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे तक उन्होंने ध्यान दिया। और सुब्रत राय सारा जी का कहना है ये है कि वो एक भारतीय हैं और वो भारतीयों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ये सब बात हम समझते हैं और ये बात मानते भी हैं, लेकिन जो निवेशक हैं जिनका जो पैसा काफ़ी जो अभी भी नहीं मिल पाया, जिनका अटका हुआ है, वो निवेशक सिर्फ चाहते हैं कि उनको मैच्योरिटी के साथ उनका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, और तभी जो है ट्रस्ट दोबारा फिर वो सारा कंपनी जो है पा पाएगी उससे भी। और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही लोगों को जो है उनको सारंडे परिवार से बहुत उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन ज़रूर जो है पूरी हो उनकी, और सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आए वो सब निवेशकों के हक में आए, जो निवेशकों का जो पैसा है वो ज़रूर मिल सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।